नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपके घुटनों में गैप बढ़ने लग गया हो, घुटनों की ग्रीस चिकनाहट खत्म हो गई हो या घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो, इन सभी कारणों को दूर करके आप अपने घुटनों को नया जीवन दे सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक घरेलू उपाय बताएंगे। दरअसल घुटनों में ग्रीस कहना एक अनपढ़ भाषा का उपयोग होता है। घुटनों में कोई ग्रीस खत्म नहीं होती। घुटनों में जो साइनोवायल फ्लूइड होता है उसकी कमी हो जाती है, जो दो हड्डियों के बीच में लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज पर दबाव नहीं पड़ता। इसकी कमी के कारण उठते बैठते घुटनों में अत्यधिक दर्द होने लगता है, घुटनों से आवाज आती है, फिर इसको लोग कह देते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया। ये प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रयोग के दौरान कुछ चीजों का पालन करना होगा, फिर इस प्रयोग को करना बिल्कुल सही होगा। इसके लिए शर्तें क्या हैं? पानी कभी भी आपको खड़े होकर नहीं पीना। पहले घुटनों के बल या पालती मारकर बैठ जाएं, उसके बाद ही पानी पीजिए, वो भी घूट घूट करके। गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए। जौ या बेजट, जिसमें गेहूं जो चना मिश्रित होता है, उसकी रोटी खाना शुरू कर दीजिए। ये समस्याएं अधिकतर बुढ़ापे में आती हैं, मगर अभी ये ऊपर बताए गए कारणों के कारण, जिनमें वजन बढ़ जाना, खड़े होकर काम करना, पानी खड़े होकर पीना, फास्ट फूड तली हुई चीजों का अधिक सेवन करना मुख्य है। ये प्रयोग कीजिए, फिर इसके बाद बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। दोस्तों, प्रथम प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये आपको मुख्य 10 दिन तक करना है। इसमें सहजन की छाल 10 ग्राम अर्थात 2 चम्मच 2 गिलास पानी में 1/4 रहने तक धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसको उतारकर अच्छे से इस पाउडर को पानी में निचोड़कर फिर इसको छान लें किसी कपड़े की मदद से और इसको घूट घूट करके पिए, लेकिन पालती मार कर। यही प्रयोग आपको दिन में कम से कम 3 से 5 बार करना है और ऐसा आपको 10 दिन लगातार करना है। आप देखेंगे कि आपके घुटनों में नई जान आने लगी है। द्वितीय प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, वो भी 10 दिन के लिए है। इसके लिए आपको शल्की नामक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेनी है। पहले इस पेड़ की छाल का 10 ग्राम 2 गिलास पानी में गर्म करें और 1/4 रहने पर इसको पी लें। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। अगर स्थिति ज्यादा कठिन है तो इस काढ़े में 1 ग्राम लोबान गोंद, जो इसी पेड़ की गोंद होती है, वो भी डाल लें, या इसकी गोंद को दूध में डालकर पी सकते हैं। इसके साथ ही रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, 5 बादाम, 11 मुनक्का, 7 अखरोट, 5 खजूर, इन सभी चीजों को एक साथ पानी में भिगोकर रात्रि में रख दें और सुबह नाश्ते से पहले खाएं और साथ में गरम गरम दूध पिए। इस दूध में लोबान की गोंद 1 ग्राम डालकर गर्म करें। कुछ दिनों तक इस प्रयोग को आप रोजाना करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था भी नहीं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।